हेलो गाइस, तो नमस्ते, स्वागत है हमारी एक और इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले यूट्यूब है और यूट्यूब पे से आप अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और यूट्यूब जो है वो पूरा प्लेटफॉर्म क्या है, उसमें कई लोग क्यों सक्सेस नहीं होते और कई लोग बहुत सक्सेस होते और बहुत पैसा कमाते हैं महीने का। जितना एक सरकारी नौकरी में नहीं कमाता इंसान, उतना यूट्यूब से कमाता है। गाइस, आज हम पूरी बात करने वाले हैं यूट्यूब के रिलेटेड, और यूट्यूबर बनने का सफ़र क्या होता है, यूट्यूबर क्या है, यूट्यूब कैसे आप यूट्यूबर बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या आपको प्रोसेस करनी पड़ती है और क्या क्या उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो गाइस, जो एक यूट्यूबर होता है, उस यूट्यूबर की इनकम आप महीने की, आप पूछो अगर कहीं पे आप देखो कि अगर महीने की इनकम एक यूट्यूबर की कितनी हो सकती है, तो गाइस उसका कोई एस्टिमेट नहीं होता, कोई उनका वो नहीं होता कि आपकी इतनी इनकम होगी बंदी। जैसे कि अगर मैं सरकारी नौकरी वाले इंसान को एग्जाम्पल के तौर पे ले लूँ, जो एक अच्छी खासी सरकारी नौकरी कर रहा है, मैं अगर कह दूँ, मैं किसी सरकारी नौकरी को पुट डाउन नहीं कर रहा है, सरकारी नौकरी ख़राब नहीं कह रहा, वो भी अच्छी है, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंसान सरकारी नौकरी करके उनकी पूरी जॉब के जो 25 से 30 साल में जितना कमाता है, उतना एक यूट्यूबर 2 से 3 साल में कमा लेता है। ये गाइज मैं आपको लिख के दे दूं, अगर आपको देखना है तो आप चेक कर सकते हो कि एक सरकारी नौकरी वाला जो पूरी जिंदगी उसकी 25 से 30 साल जो वो अपनी नौकरी से कमाता है, वो इनकम से लेके मैं उसका जो पेंशन से लेकर जो उसकी जो जब वो उनका जो एंड में जो उनको कुछ पैसे मिलते हैं पूरे, वो टोटल पैसे मिला के मैं बात कर रहा हूँ कि एक जो सरकारी नौकरी वाला जितना कमाता है उतना यूट्यूबर 2 से 3 साल में निकाल लेगा। गाइज ये गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। क्यों गाइज, उसका रीज़न क्या है? तो देखिए गाइज, सरकारी नौकरी जो हम कर रहे हैं वो ख़राब नहीं गाइज, उसे मैं ख़राब नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी कर रहे हो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है कि उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद हमारी सरकारी नौकरी लग, तो उसमें जाना भी कोई आसान नहीं है सरकारी नौकरी में। पर YouTube में क्या है, मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ YouTube है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, तो YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जिसमें करोड़ों अबजों लोग जो है वो जुड़े हुए हैं YouTube में। कि भी कभी भी किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले सर्च करता है YouTube में जाके, क्योंकि YouTube जो है वो आपके फ़ोन में रहता है, फ़ोन हमारे पास रहता है, जबकि टीवी जो होता है वो टीवी घर पे होता है। अभी अगर एक रिकॉर्ड के हिसाब से देखा जाए तो टीवी पे से कई लोग ट्रांसफ़र होकर आ चुके हैं यूट्यूब में। क्यों गए, उसका रीज़न क्या है? टीवी जो है वो जो आपको देखना है वो टीवी में नहीं दिखेगा, टीवी के जो दिखाना है वो आपको दिखेगा, और यूट्यूब क्या है, यूट्यूब में जो आपको देखना है वो आप देख सकते हैं। दोनों में आप अंतर समझिए, टीवी में आपको जैसे देखना है सोनी मैक्स, सोनी मैक्स में आपको देखना है जैसे कि कोई पिक्चर देखना है अच्छा सा सलमान खान का, तो वो आप देख नहीं पाओगे। क्यों नहीं देख ना पाओगे? क्योंकि उसका जो शेड्यूल होगा उस तरह से, उस पर जो आ रहा है वो आप देख पाओगे। अब उसी के कंपेयर में अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब क्या है, यूट्यूब के आपको देखना है जैसे कि सलमान खान की ये मूवी, आपने यूट्यूब पर गए सर्च किया, आपने वो मूवी आ गई और आपने वो मूवी देखी। अब दूसरी एक बात इसमें कि जो यूट्यूब होता है उसके अंदर आपको मूवी देखने, उसके लिए आपको कोई वो नहीं, आप सो के देख सकते हो, आप आपके घर में देख सकते हो, या आप कहीं बाहर जा रहे हो किसी सफर में हो उस दौरान भी देख सकते हैं। पर क्या आप टीवी में देख सकते हो गाइस? तो नहीं देख सकते, क्योंकि टीवी जो है वो हमारे घर में होता है और टीवी में आप नहीं देख सकते हैं। तो यूट्यूब जो है वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो यूएस अमेरिका से स्टार्ट हुआ है, 3 लोगों ने स्टार्ट किया था गाइस, और वो आज यूट्यूब इस तरह से जो फैल रहा है और इस तरह से जो यूट्यूब आगे बढ़ रहा है, 2025-26 तक तो गाइस यूट्यूब बहुत आगे निकल जाएगा। गाइस जो टीवी है उसमें कोई नहीं देखेगा, गाइस सब यूट्यूब पे ट्रांसफर हो जाएंगे, ये देख लेना है इसके, क्योंकि यूट्यूब जो है बहुत काम कर रहा है, यूट्यूब से कई लोगों का घर चल रहा है। गाइस ऐसा नहीं है कि यूट्यूब जो है वो आपको उल्लू बना रहा है कि ऐसा कुछ है, यूट्यूब एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है अभी के टाइम में देखा जाए, क्योंकि अभी के टाइम में देखिए गाइस जिस तरह से कोरोना चल रहा है, अदर चल रहा है, सरकार पास पैसा नहीं है गाइस, नौकरियां नहीं है लोगों पास खाने के लिए पैसा नहीं है, पर जो एक यूट्यूबर होगा उसको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं पड़ेगी। क्यों गाइस? गाइस लॉकडाउन में तो जो इंसान पास पैसा नहीं था उन्होंने घर पे यूट्यूब चैनल बना के उसमें काम करके लॉकडाउन में अपनी चैनल मोनेटाइज कर लिए गाइस, आपको यकीन नहीं हो रहा, और यूट्यूब से लॉकडाउन में पैसा कमाया, क्योंकि यूट्यूब चीज़ क्या है गाइस,
उसमें आपको कोई नौकरी नहीं है ना कुछ करना है, आपको आपकी वीडियो बनाना है, आपको आपको कंटेंट बनाना है और उस कंटेंट को आपको यूट्यूब पे अपलोड करना है। अब आपने कंटेंट अपलोड किया, उसके बाद उसके अंदर कुछ उसका ऑल अलगोरिदम होता है कि आपको ये चीज़ पूरी करनी होती है। जैसे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे करना तो 4,000 घंटे का वॉच टाइम, तो वो गाइस कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि अगर आपका कंटेंट अच्छा होगा, आपकी वीडियो अच्छी होगी, आपकी क्वालिटी अच्छी होगी और आप कुछ अच्छा बता रहे हो तो लोग देखेंगे। गाइस बहुत सारे चैनल है जो देखते हैं गाइस, और मैं आपको इस चीज़ में एक बड़ी बात भी कहूंगा गाइस, जो ऐसा नहीं है कि ये यूट्यूब पे आपको अगर यूट्यूबर बनना है तो आप गरीब हो तो यूट्यूबर नहीं बन सकते। गाइस कौन बोलता है ऐसा कि गरीब हो तो यूट्यूबर नहीं बन सकते? गाइस यूट्यूबर कोई भी बन सकता है, यूट्यूबर बनना कोई मुश्किल नहीं है। मैं आपको अगर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल बताऊँ मैं तो मनोज दे, आप यूट्यूब पर सर्च भी कर लेना मनोज दे। गाइस गरीब घर से पढ़ा बड़ा लड़का आज यूट्यूब से 2.5 से 2 लाख रुपए कमा रहा है गाइस, वो यूट्यूब के दम पे गाइस। तो यूट्यूब जो है उससे कई लोगों का घर चल रहा है, और यूट्यूब एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है गाइस। और यूट्यूब पे आपको पैसा कमाना है तो क्या करना पड़ता है? तो उसके लिए गाइस आपको जीमेल बनानी पड़ती है, बहुत सारा होता है गाइस। उसकी वीडियो जो है हम बनाएंगे और उसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे आएगी। तो बस गाइस मैं इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूँ कि एक सरकारी नौकरी वाला जो इंसान होता है उसके कंपेयर में यूट्यूबर बहुत ज़्यादा इनकम करता है। सरकारी नौकरी वाले के 35,000 इनकम होगी तो वो 35,000 से 50,000 जाने में उसका एक्सपीरियंस देखा जाएगा, जो कि गाइस 1 से 1.5 साल लगेगा। जबकि एक यूट्यूबर की जो है आपका व्यू, जो आपका कंटेंट है, वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा उस तरह से आपकी इनकम बढ़ेगी। और गाइस मानिए मेरी बात कि यूट्यूबर बनना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर गाइस यूट्यूब में कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल है। क्यों? दोनों में अंतर समझिए आप गाइस। देखिए एक यूट्यूबर बनना कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपका कंटेंट अच्छा हुआ, आपने अच्छा काम किया, अच्छी वीडियो बनाई तो आप अच्छी तरह से ग्रो कर सकते हो। पर अब यूट्यूबर बनना मुश्किल है, क्यों मुश्किल है गाइस वो चीज़ समझिए। क्योंकि आपको देखिए वीडियो बना रहे हो, आप अच्छी वीडियो बना रहे हो, रन नहीं कर रहे, व्यू आ नहीं रहे, सब्सक्राइबर आ नहीं रहे, आप पागल हो रहे हो कि भाई व्यू सब्सक्राइबर क्यों नहीं आ रहे। और फिर आपने सोचा कि चलो भाई यूट्यूब पे तो कुछ हो नहीं रहा, छोड़ दो ये सब उल्लू बना रहे। तो गाइज ऐसा नहीं है, किसी भी चीज़ को गाइज अगर आपको पाना है, कुछ भी चीज़ आपको चाहिए तो उसके लिए मेहनत लगती है। और मेहनत कैसी? आपको मेहनत ऐसी करनी है कि आपका जो शोर हो वो इतनी तालियों में तब्दील हो जाए गाइज के लोग कहें ना भाई ये सही है। क्योंकि गाइज हर चीज़ है वो आसानी से नहीं मिलती, और यूट्यूबर बनना तो गाइज बहुत आसान है, पर उसके लिए मेहनत चाहिए, थोड़ा सब्र चाहिए गाइस, थोड़ा सा आपको सब्र चाहिए बस गाइस, और यूट्यूबर बन सकते हो आप। यूट्यूब से आप इतनी इनकम कर सकते हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठ के वीडियो बनाओ, वीडियो डालो, अच्छा कंटेंट होगा तो लोग आके आपकी वीडियो को देखेंगे और आप यूट्यूब से अर्निंग कर सकते हो। अब आपको यूट्यूब पे किस तरह से चैनल, क्या होता है यूट्यूब में चैनल बनाना और क्या करना होता है, तो गाइस वो सब के लिए एक हम अलग वीडियो बनाने वाले, जो हमारी वीडियो आने वाली है 1-2 दिन में। तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। तो हमारे चैनल पर अगर आप न्यू हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग अपडेट मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। थैंक यू, धन्यवाद।